गुड मॉर्निंग। वर्ग की परिधि व क्षेत्रफल प्रश्नावली 13.1। अब प्रश्न नंबर 4, सो चक्कर में चौथा प्रश्न क्या है? सो चक्कर में एक स्कूटर का पहिया याद करो, यानी सो चक्कर लगाता है एक पहिया तो 88 मीटर की दूरी तय होती है ना। अब इसका हल कैसे करेंगे? एक चक्कर में तय की गई दूरी इक्वल टू रुपया वर्ग की परिधि, यानी पहिए की जो परिधि होगी उसके बराबर वो एक चक्कर की दूरी तय करेगा। इसलिए सो चक्कर में तय की गई दूरी बराबर है 100 × 2π r। भाई एक चक्कर में 2π r करता है तो सोने कितने करेगा? 100 × 2π r। अब 100 चक्कर में वो करता कितना है? 88 मीटर है ना, इज इक्वल टू 88 मीटर के अपन सेंटीमीटर में बने 8800। क्यों मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा कर दे तो 100 में इतनी तय करेगा, तो इतनी 100 चक्कर हो गए, 100 चक्कर में वो दूरी तय कितनी करता है? इतने से 1 सेंटीमीटर। इसलिए आर इज इक्वल टू, यानी उसकी त्रिज्या क्या होगी? 88 × 100 × 2 × π 22 चलेंगे ये ना, तो 0 से 0 22 × 88 4 × 2 = 2 इसलिए आर इज इक्वल टू 7 × 14 सेमी। अपने को उस पहिए की त्रिज्या याद करनी थी तो कितनी आई, क्या लिखेंगे अपन? इसलिए पहिए की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर है, ये इसके तक पहिए की त्रिज्या कितनी? 14 सेंटीमीटर और ये इसके उत्तर। कोई दिक्कत नहीं, निकालेंगे। हमेशा ध्यान में रखो, यदि कोई भी पहिया घूमता है तो एक चक्कर में वो अपनी
वृत्ताकार प्लेट का बांसल द्वार है, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। वर्ग सेमी है, इसकी परिधि क्या कीजिए। इसकी परिधि ज्ञात करो। सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि प्लेट वर्ताकार है जिसका क्षेत्रफल से रखा है 154 वर्ग सेमी, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कितना ले लिया आपने 154, उससे अपन आर ज्ञात कर लेंगे यानी उसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। जब त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी तो परिधि क्या होती है 2πr, उससे अपन परिधि ज्ञात कर लेंगे। क्या दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है, या आर इज इक्वल टू अंडर रूट 154 22 बटा 7, 7 ऊपर चलेंगे 22 आता 154। आर इज इक्वल टू क्या आया 7 सेमी, आ गई 7 सेमी। जब अपने पास त्रिज्या आ गई तो प्लेट की परिधि ज्ञात करने में कोई दिक्कत है नहीं है, इसलिए प्लेट की परिधि क्या होती है 2πr, तो 2 × 22 × 7 × 7 सात से 22 × 44 सेंटीमीटर ये है। अब कोई दिक्कत नहीं करेंगे बिठा दो, प्रश्न नंबर 6 है। एक वर्ग की परिधि क्या कहता है, एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 484 वर्ग मीटर हो,
484 वर्ग मीटर हो तो वृत्त का क्षेत्र नहीं क्या? वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात है। अब देखो वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है ना? तो आपने वो क्या दिया हुआ है, अब अपने इसको हल करेंगे। वर्ग की परिधि इज इक्वल टू वर्ग का परिमाप। वर्ग की परिधि किसके बराबर है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू 484। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ये अपन ने सीखा था कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और वर्ग की भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्र। यदि वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ हो और भुजा ज्ञात करनी हो तो अपन क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल लेते हैं। अब अपने को वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर दे दिया तो वर्ग की भुजा कितनी आई? अंडर रूट क्षेत्रफल है ना। अब 484 का अपन वर्गमूल निकाल लेंगे। इज इक्वल टू बाई बाई 484 तो वर्ग की भुजा कितनी मीटर आई? 22। अब परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। जब अपने पास वर्ग की भुजा आ गई तो वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है अपन जानते हैं। वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू 4 × 2। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 × भुजा। इसलिए वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू 4 × भुजा 22 × 88। 22 × 88। कोई दिक्कत नहीं। अब जितना वर्ग का परिमाप है उतना ही किसकी है? वर्ग की परिधि। इसलिए वर्ग की परिधि इज इक्वल टू 88 मीटर और वर्ग की परिधि क्या होती है? 2πr। तो r इज इक्वल टू परिधि बटा 2π 2 × 22 7 × 2 22 × 2 88 2 × 2 = 4 r बराबर 14 cm। अब वर्ग का क्षेत्रफल, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2πr² 22। अपने पास उस
आई, तो अपन उसका ऐसे से कुछ ज्ञात कर सकते हैं आई आर स्क्वायर से फाई का मान 22/7 आठ होता है ना। वर्ग की त्रिज्या कितनी आई 14 सेमी, तो 14 × 7 × 2 तो 22 × 14 = 28 बाई एक 170 असल 17 22 × 44 44 × 17 = 61 तो 616 वर्ग मीटर उत्तर। तो उसका क्षेत्रफल क्या आया 616 वर्ग मीटर। इस तरह से अपन ने इसको हल कर लिया। मिटा दो बराबर
24 इंटू 2 पाई है, परिधि तो क्या है वर्ताकार फेस है, उसके ऊपर बाढ़ लगाई जानी चाहिए लगेगी, तो 24 इंटू 2 पाई आर। अब इतना हो गया तो ये वेग कितना है 5280 रुपए भाई, 2 पाई आर तो होगी उसकी परिधि, और वेग मीटर का कितना ये है 24 रुपए, अपने परिधि को 24 से गुणा कर दिया, तो आर इक्वल टू क्या आ गया 5280 बटा 24 इंटू 2 पाई 2 इंटू 22 7 बच रहे है ना। अभी वो काट दो 52 को 22 से काट दें, इस तरह से अपन ये कर देंगे।